हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड इट्स थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे किसी भी सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता था। तो उस प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंडर्स में। जब किसी नॉन वोलेटाइल के एडिशंस के वजह से किसी प्योर सॉल्वेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता था, तो उस फेनोमेना को हम डिस्कस करते थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और इससे पहले हमने आपको बता दिया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच ओनली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के नेचर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट है? जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन होता है तो दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन है प्योर सॉल्वेंट और दूसरा कंडीशन हो सकता है सॉल्यूशन का। इज इन क्लियर? प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस के कंडीशंस हो सकते हैं। तो इससे पहले के लेक्चर्स में हमने जान लिया था कि प्योर सॉल्वेंट्स का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है कंपेयर टू द सॉल्यूशन, बिकॉज जब सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो ये जल्दी वेपराइज नहीं होते हैं। तो इस तरह से इनके मिक्स होने से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखा जाता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखा जाता है। और यही फेनोमेना के वजह से जब अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ हम डिस्कस कर रहे थे तो आपको बताया था कि जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया जाएगा तो उसका फ्रिजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाएगा। तो इसको हम ग्राफिकली और कुछ साइंटिस्टों ने मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करने की कोशिश किया। तो आइए हम जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रिजिंग पॉइंट्स की। फ्रिजिंग पॉइंट जानने में शब्द बहुत ही आसान है। आप लोगों ने क्लास 9th, 10th, 11th में पढ़ा होगा, लेकिन फ्रिजिंग पॉइंट का एक्चुअल डिफिनेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट का एक्चुअल डिफिनेशंस क्या होती है, तो उसी तरह से हम आपको आज बताएंगे कि फ्रिजिंग पॉइंट्स की एक्चुअल डिफिनेशन क्या होती है। द टेम्परेचर एट विच वह टेम्परेचर जिस पे लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। बात नहीं समझ में आई? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट इक्वल हो जाए, बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। बात को समझिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट एट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड
स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट दिस फेनोमेना इज नोन एज फ्रिजिंग पॉइंट, वह उसका फ्रिजिंग पॉइंट कहलाता है। फ्रिजिंग पॉइंट क्लियर है। इसके बाद हम इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। आइए ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए यह हमारा प्योर सॉल्वेंट के लिए है, और ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट फ्रोजन। सॉलिड स्टेट आर फ्रोजन सॉल्वेंट का केस है। ये सॉलिड या फ्रोजन, तो देखिए यहां पे जो सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहां पे इक्वल हो जा रहा है, क्लियर। और यहां पे सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर इक्वल हो जा रहा है सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर्स के, केल्विन दैट मीन्स टेम्परेचर और वर्सेस वेपर प्रेशर्स के बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो देख लेते हैं, ये देखिए एक्चुअल में यहां पे इतना का डिफरेंस आ रहा है। टी एफ जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टी एफ से, और ये है हमारा टी एफ नॉट। आपको पहले ही लेक्चर में जब राउल्ट्स लॉ मैंने डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जब हमें प्योर किसी भी कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करना होता है तो वहाँ पे नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो मैंने यहाँ पे इसको नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम जानेंगे कि इस वेपर प्रेशर्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहां से डेल्टा टी एफ की वैल्यू को निकाल सकते हैं। डेल्टा टी एफ पहले जो फ्रिजिंग इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और इसका जो टेम्परेचर है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हाई टेम्परेचर पे फ्रोजन हो रहा है और ये लो टेम्परेचर पे फ्रोजन हो रहा है। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू द टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये हम लिख सकते हैं। ये है प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर और ये है हमारे
सॉल्यूशंस का टेम्परेचर कि किस टेम्परेचर पे हमारा सॉल्यूशन जो है वो फ्रोजन स्टेट में जा रहा है, और ये है हमारा टेम्परेचर कि कौन से टेम्परेचर पे हमारा जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, वो हमारे फ्रोजन स्टेट में जा रहा है। इज इट क्लियर? उसके बाद मैथमेटिकली ये देखा गया कि वेरी डायलूट सॉल्यूशंस के कंडीशंस में जो डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट होता है, ये जो है डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट जो होता है वो मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इज इट क्लियर? तो मैथमेटिकली हम इस फॉर्मूले को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। आइए देख लेते हैं कि कैसे हम इसको मैथमेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ अभी मैंने आपको बताया है कि ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल एम। हियर स्मॉल एम इज अ मोलैलिटी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि स्मॉल एम क्या है। स्मॉल एम इज अ मोलैलिटी, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मोलैलिटी की फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, मोलैलिटी के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। मोलैलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला होता है यम एन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी, ये होता है। एन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? एन को डब्लू, ठीक है, और ये जो है डब्लू टू बाई थाउजेंड। तो इस फॉर्मूले को हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं मैथमेटिकली, हम इसको सिंप्लीफाई करें तो फाइनली इसको लिख सकते हैं क्या, मोलैलिटी को यम के बराबर हम लिख सकते हैं डब्लू टू इंटू थाउजेंड डब्लू वन इंटू यम टू, ये लिखा जा सकता है। देखिए तो यम बराबर मोलैरिटी के बराबर ये हो गया, क्लियर? अब हम दिमाग में इस फॉर्मूले को रख लेते हैं। ये बेसिक्स है, मोलैरिटी के फॉर्मूले से निकाला गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। तो जो भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो ग्राम में रहेंगे, तो ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला गया है और ये मोलर मास है। मोलर मास क्यों? मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास, तो ये गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इज इट क्लियर? एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, तो इसको केजी में चेंज करने के लिए थाउजेंड से मल्टीप्लाई किएगा तो ऊपर चला गया है। इजन क्लियर? अब देख लेते हैं कि डेल्टा टी एफ इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहां से हटाने के लिए हम यूज करते हैं एक कांस्टेंट के एफ, के एफ यम। ये किसके बराबर होता है? डेल्टा टी एफ बराबर के एफ यम, के एफ यम, ठीक है।
तो अब डेल्टा टी एफ को इस डेल्टा टी इस यम को हम क्या कर सकते हैं, इस यम के जगह पे इस वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो आइए हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डिप्रेश एलिवेशन इन फ्रजिंग पॉइंट समझ में आया है तो ये भी समझ में आ जाएगा। के एफ डब्लू टू इंटू थाउजेंड अपॉन डब्लू वन इंटू यम टू, ये है हमारा डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट का फॉर्मूला। और केएफ को हम डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। केएफ को, इस केएफ को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। केएफ इज नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या डिप्रेशन कांस्टेंट। केएफ को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या डिप्रेशन कांस्टेंट। अगर इसी फॉर्मूले को यम के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, यम टू बराबर के एफ इंटू डब्लू टू इंटू थाउजेंड अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू यम टू। तो ये दूसरा हो गया। क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हम चाहें तो मोलैरिटी को निकाल के डायरेक्ट अगर यहाँ पे पुट कर दें वैल्यूज मोलैरिटी की, तो हमारा डेल्टा टी एफ का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चंस में। यम की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं यम वाले फार्मूले से, और इसमें के एफ, जो के एफ की वैल्यू होती है एग्जामिनेशंस में, एग्जाम में आपके वो 99.9% गिवन रहेगा। ये चांसेस है कि 99.9% ये वैल्यू हमेशा गिवन रहती है, के एफ की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। के एफ और के बी के वैल्यूज को निकाल भी सकते हैं हम, उसके लिए भी फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूलाज हैं कुछ, वहाँ से आप फार्मूला देख सकते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो मैं उसको बता दूँगा। तो ये है के एफ की वैल्यूज और के बी की वैल्यू। तो ये था फ्रिजिंग डिप्रेशन पॉइंट। फार्मूला आप लिख सकते हैं, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि डायरेक्ट हम कैसे के एफ और के बी की वैल्यूज को डिटरमाइन कर सकते हैं। उसका कोई भी हमें प्रूफ जानने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करके वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या है ये फार्मूला, उसको हम लिख देते हैं। के एफ बराबर हम लिख देते हैं आर इंटू यम इंटू टी एफ स्क्वायर यफ अपान थाउजेंड इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। R इज द गैस कांस्टेंट, ये है डिप्रेशन इन फ्रिजिंग पॉइंट। और अगर के बी निकालने के लिए बोला जा रहा है तो क्या हो जाएगा, R इंटू यम इंटू टी बी स्क्वायर अपॉन थाउजेंड इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन।
ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो ये क्लास नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। आर क्या है? गैस कॉन्स्टेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट का बीपी है और यहाँ पे भी ये प्योर सॉल्वेंट की बीपी है। इजन क्लियर? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यम क्या है? एक कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे एम मोलर मास होगा, इसमें भी यम मोलर मास होगा, तो यहाँ से इन सब फॉर्मूलेज को रिमाइंड कर सकते हैं।